गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे आप सभी गाइस? तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश भगवान आप सब पे कृपा बनाए रखें। आज है गणेश चतुर्थी, तो आज हम लोग का व्रत है और दोपहर के बज रहे हैं 2:30। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गणेश जी के लिए लड्डू, आप देख सकते हैं गाइस। तो मैंने किचन के बाहर इंडक्शन का चूल्हा है ना, उसे मैंने कुर्सी पे रख लिया है और यहाँ पे मैं तिल फ्राई कर रही हूँ। देखिए हमारा तिल जलने लगा गाइस, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना मेरा तिल थोड़ा सा पकड़ लिया है। फ्लेम कम कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे फ्राई करूँ, जो तिल होते हैं ना उसमें गंदगी रहती है, सफ़ेद वाला तिल साफ लगता है, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। गाइस आप देख सकते हैं हमारा तिल फ्राई हो गया था, मैंने निकाल दिया। अब गुड़ को डाली हूँ एकदम आधा कप पानी में, आधे किलो गुड़ है और आधे किलो तिल है। गाइस आप देख सकते हैं हमारा गुड़ तैयार हो गया है एकदम से। अब इस जैसे इसकी चाशनी बिल्कुल अच्छी बन जाएगी ना। और गाइस देखिए हमारी पड़ोस वाली भाभी रेखा भाभी आ गई हैं, तो इनके साथ मैं बना रही थी तिल के लड्डू। तो ये जहाँ होती है रवा मुझे अच्छा लगता है, तो भाभी भी आ जाती है ना तो और अच्छा लगता है। तो वो बोल रही थी कि तो आपने गुड़ ज़्यादा कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा कम गुड़ डाल के लड्डू बनाती हैं और हमारे यहाँ ना ज़्यादा गुड़ डाल के बनता है लड्डू। तो आधे किलो तिल में आधे किलो गुड़ ऐसे बनता है हमारे यहाँ। तो मैं बना रही थी, लेकिन ये ज़्यादा गुड़ वाले हमारे घर वाले लोग पसंद करते हैं तिल। तो भाभी इसी पर हंस रही थी कि दीदी आपने ज़्यादा गुड़ डाल दिया और हमारे यहाँ कम गुड़ डालते हैं। इसी बात पे भाभी हंसते हंसते कर रही थी। और ये बहुत तेज़ जम रहा था, मतलब इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे तो जल्दी जल्दी इसकी मतलब बना लेंगे लड्डू। तो इसलिए हम लोग थाली में थोड़ा चम्मच से इसको डाल डाल के और फिर बनाए जा रहे थे। गाइस किस किस को प्रसाद खाना है आ जाइए आप लोग हमारे यहाँ। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, गणेश जी उन पर कृपा बरसाते रहें, उन्हें खुश रखें, स्वस्थ रखें, उनके घर में रिद्धि सिद्धि दें। और गाइस आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ। तो ना लड्डू मैंने गुड़ जारी कर दिया, नया स्टाइल के लड्डू बनाए भाई लोग। नया स्टाइल के हम लोग लड्डू बना रहे हैं, आप कैसे बनाएंगे? गाइस देखिए लड्डू हमारा रेडी हो चुका है इतना सारा, और इसमें देखिए ठंडा होते जा रहा है और यहाँ पे फैला फैला के बनाए जा रहे हैं हम लोग। तो आप इसी बात पे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, गणेश जी के नाम पे कमेंट जरूर करिएगा, श्री गणेशाय नमः लिखिएगा कमेंट में, ठीक है? बने रहिए आप लोग ब्लॉग पे। अब हम पूजा दिखाएंगे कैसे माघ के गणेश चतुर्थी की पूजा और व्रत कथा करते हैं, सब दिखाएंगे। हेलो गाइस, तो हम लोग पूजा के लिए तैयार हो गए हैं और हमारा गेटअप देख सकते हैं आप शीशे में, देखो स्वेटर मैंने डाली है और जैसे हाँ बाबू यहाँ पे मेरा निकाल रहा है शॉल निकाल दो, दीवान खोल दे बेड और निकाल, जल्दी से निकालो, ट्रॉली के अंदर है। और मैं जा रही हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ दीक्षा का गेटअप, आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, अरे इधर करो सामने से, सामने आओ घूमो, देखिए सामने से इसकी लुकिंग तैयार हो गई है। साड़ी आटा लगा रही है और गाइस कमेंट कर लोग देखिए बॉयल किए हैं इसको, घी में फ्राई करेंगे बिना नमक के, इस टाइम हम लोग नमक नहीं खाएंगे बड़े चतुर्थी के। और गाइस लड्डू हमारे रेडी हो चुका है। Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look. हमारे गणेश जी की पूजा हो गई थी, आप देख सकते हैं। अब हम लोग आरती करेंगे। जय गणेश देव माता जय की पार्वती पिता महादेवा,
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुहिता महादेवा पान चढ़ी फूल चढ़ी। तो गाइस देखिए हम लोग आ गए हैं छत पे और रात के बज रहे 9 और चांद के निकलने का मुहूर्त था। तो हमारे देवर जी हैं बड़े वाले, तो ये अर्घ दिलवा रहे थे। तो सबसे पहले मैंने अर्घ लिया और इसके बाद मेरी देवरानी ले की। तो ये सुपारी और पान का पत्ता से हम लोग लेते हैं और वो गणेश जी को चढ़ाते हैं, उसी के साथ दक्षिणा के साथ हाथ में लेके और 5 बार घूमते हैं। तो अब यहाँ पे दीक्षा अर्घ लेने शुरू कर दी है, देख सकते हैं मेरी देवरानी। तो ये भी 5 बार घूमेगी और जल गिराते जाएंगे और इस तरह से दाहिने हाथ की तरफ से घूमेंगे। तो यहाँ पे बता रहे थे कि कौन से साइड से घूमना है। और गाइस ये जो सुपारी है ना आप देख सकते हैं पान का पत्ता, ये हम गणेश जी के पास ही रख देंगे और सुबह में इसको उठा के। हमारी पूजा हो गई है, देखिए दीक्षा। अब ये जो पान का पत्ता है यहीं पर रख दो गणेश जी के पास, ये सुबह तक पड़ा रहेगा। और ये दीक्षा है, कैसा फील हो रहा, भूख लग रही है ना? नहीं लग रही है गाइस। मैं तो पानी पी के व्रत की थी इसलिए कि मेरी तबीयत सही नहीं थी ना इसलिए। और हमारी पूजा हो गई है, अब प्रसाद उठा दो। प्रसाद उठा देंगे और ये जो लड्डू है ना इससे हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। तो इस तरह से करते हैं हम लोग व्रत, आप लोग कैसे करते बताइएगा कमेंट करके।